हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं और माँ जा रहे हैं डॉलर की ग्रूमिंग कराने। डॉलर आज नहाएगा धोएगा, थोड़ी साफ़ सफाई होगी क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, उसके बाल बहुत बढ़ चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने शादी के चक्कर में ना उसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करवाई थी, ताकि उसके बाल एकदम से ना ग्रोथ जल्दी से इतने दिन में बढ़ नहीं पाती। तो अब हम लोग जा रहे हैं उसके बाल छोटे 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 कराने, क्योंकि बेचारा परेशान हो जाता है, उसकी नॉट्स बन जाती हैं क्योंकि उसको कपड़े पहनाने होते हैं, अभी ठंडी हो गई है तो इस वजह से। तो अब हम जाएंगे उसकी ग्रूमिंग कराने। खुशी दीदी और माँ और डुल्लू आ गया, मेरा बच्चा कूद के। चलो 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 ऊपर आओ, ऊपर आओ। डॉलर साहब, डॉलर डॉलर डॉलर, देख तो लो कहाँ बैठे हो आप। यहाँ कौन बैठता है डॉलर चढ़ के? हैं बच्चा हो रहा हूँ, मुझे डांट मारी। खुशी बता दे। डुल्लू 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 क्या हुआ, आ जाओ नीचे, तुम तो बहुत ही गंदे लग रहे हो डुल्लू शक्ल से। अब हम पहुंच गए लोकेशन पे, डॉलर की ग्रूमिंग करा रहे हैं। अब डॉलर की हालत देखना से क्या हो जाएगी। वाह अभी देखना डॉलर कैसे करेगा। डॉलर चले, तुरंत खड़े हो, देखो चले मामू चले, आपकी ग्रूमिंग कराने चले। डुल्लू माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, माँ लेके जाएंगे, चलो आपको माँ लेके जाएंगे, आओ चलो। बस मैं यहीं पे लगा दूँ इसको, उतार लें पहले आप फिर से। नहीं तो वो आ रहा है, रुक जाओ। आओ बाबू, डुल्लू जा डुल्लू जा, ला रही हूँ मेरे पास ही है। ऑलरेडी कटिंग कराने और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही रश है आज। मेरे पास है कार्ड इसका। डुल्लू कैसे शिवर कर रहा है ये, क्या हो गया बेटी? अंदर आते हैं। तुमको क्या हुआ डुल्लू? हालत खराब हो जाती है। उनसे कह दे कि गर्म पानी से नहलाएंगे आप। डुल्लू आपकी तो आंखें भी लाल हो रही हैं। डुल्लू बाबू तुमको लेके जाएंगे अभी, क्या हो गया दिखाना एक बारी। क्या हो गया पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ लग रहा था। डरो नहीं डुल्लू, फिर लास्ट टाइम उन्होंने किसने करी थी? हाँ ये लास्ट टाइम, हाँ ये है बच्चा था, उन्होंने अच्छी करी थी लास्ट टाइम। हाँ उनको मैं बता देती हूँ अभी। डुल्लू डॉलर डॉलर चले अंदर अब कटिंग कराने, बेचारा तो डरेगा अभी। डॉलर आया ठीक है, डॉलर इनसे आप कटिंग करा सकते हो, ये इतनी सुंदर कटिंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हाय ओए बच्चा कैसे लग रहे हो आप? हेलो ओए मेरे, ये तो पतलू पतलू हो गया। क्या खाने ले जा रही आप मुझे? जो खाओगी वो खा लो बताइए। यहाँ पे ना ये एरिया पता नहीं कौन सा सेक्टर है, बट यहाँ खाने का बहुत अच्छा है, तो खाते हो। ये ना पूरा इतना बड़ा एरिया है जहाँ खाने आने की सारी चीज़ें, ग्रॉसरी है ना, सब चीज़ मिल जाएंगी आपको एक ही जगह पे। हाँ कुछ बढ़िया बढ़िया दिला दो मुझे ना, ऐसी जगह जाने में, जगह जाने में बहुत मज़ा आता है जहाँ ना इतना सब कुछ ऐसे ना खाने वाने का होता है, तो इतने में ना कुछ भी आप बढ़िया बढ़िया खा सकते हो। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ी भूखी हूँ।
ओट्स एंड बेरीज। भाई आप लोगों ने ये देखा पार्ले जी के नए बिस्किट्स, ये तो मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ। पार्ले जी इम्प्रेसिव, देखा इतनी पुरानी ब्रांड है ये पार्ले जी और अभी तक इतनी ज़्यादा चलती है ना कि मतलब चाय के साथ ना कोई कुछ बिस्किट हो ना हो पार्ले जी ज़्यादा लोगों को पसंद होगा। मेरी माँ को तो मोने को पसंद है, मतलब मम्मी को, माँ माँ है, मम्मी मम्मी है मतलब मम्मी और माँ हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। गौर साहब कहते हैं मम्मी ही बोलते हैं वो भी। हाँ चॉकलेट ये वाली चाहिए मुझे, ले लो तो, ये तो वो है, ये भी एक ही। कल हमने कौन सा फ्लेवर खाया था, वो कुछ अलग सा था, एक ही ब्लू वाली ले लेते हैं। ये तो कोकोनट फ्लेवर है, पता नहीं कैसा होगा, कोकोनट तो रहने तो, फिर रहना तो अच्छा नहीं होगा। ऑरेंज ले लो, ऑरेंज ऑरेंज आपको, चलो ऑरेंज कभी कभी किसी चीज़ में पसंद आता है। हाँ ऑरेंज अच्छा लगता है, और ऑरेंज ले लो। और बताओ और कौन सा लोगे, और आप पहले वो बताओ ना, ले लो ले लो। कितने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे, इतना जरा सी चीज से मत ना खुश हो गए, खुश हो गए क्या, जरा सी टॉफी से खुश हो गए, और दे देंगे अभी इनको खुशी। मेरे को छाछ मिल गई। मैं भी ना यहाँ पे ये सब देख रही थी तो मुझे एकदम से याद आया पान गुलकंद। जब बाऊजी के पास जब मैं घर जाया करती थी ना तो बाऊजी, एक खिड़की होती है जो बाऊ के रूम में होती है, तो बाऊजी ना हमेशा मेरे लिए ना एक छोटी सी पॉलीथिन में ना जब भी मैं जाती थी तो वहाँ हमेशा मेरे लिए ना गुलकंद रखते थे, और सिर्फ मेरे लिए। तो मैं कहते कि शिविया आ गई तो चल तेरे को गुलकंद खिलाता हूँ, तो मुझे ये देख के याद आ गया। छाछ पैटी और ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ जाता है खा के। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ट्राई ज़रूर करिएगा, और मैं कोई भी चीज़ ना बिना कैचअप के नहीं खा सकती, मतलब मुझे हर चीज़ में ज़्यादातर कैचअप पसंद है, पिज़्ज़ा के साथ भी। है ना, चलते हैं डॉलर को देख रहे हैं। ओए बेटू तुम बहुत सुंदर लग रहे हो अभी से, ना दो के बढ़िया। मैं बाल छोटे करा दिए मम्मी, ठीक है डोलू, बिल्ली की आंखें देखो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी आंखें हैं। नहीं मेरे तो बोला ये मेरा है, ये मेरा लड़का है छोटा था पवन भैया, कुछ है तो नहीं है इसके, इसके ना कान में थोड़ी दिक्कत लग रही थी मेरे को, ये बार बार ना ऐसे गर्दन हिला रहा था तो डेस्क की वजह से। ये डुल्लू की उल्लू हो चुकी है कटिंग, डुल्लू हो गए बहुत पतले, क्योंकि इसको ना विंटर्स में भी हमें कोट पहनाना होगा तो फिर इसको ना बहुत दिक्कत होती है, इसके नॉट्स बन जाते हैं और फिर वो कट करने में ना बेचारे की स्किन पुल होती है। मेरा डुल्लू कितना पतला हो गया। डॉलर डॉलर था देखो, ऑफ टू सी, ऑफ टू गो डॉलर, चले अब डुल्लू, अब नहीं डर लग रहा होगा उसको, अब नहीं लग रहा, अब पता है ना तो अपने घर जा रहे हैं, अब क्यों लगेगा, तो इसके लिए कोट लेना पड़ेगा माँ। चले डुल्लू मैं उधर से बैठ रही, डुल्लू चले चले बेटू, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए आई हूँ डॉलर, कुछ ठीक है। आज का व्लॉग होता है यही समाप्त, और मैं आज आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे डॉलर की कटिंग कैसे हुई है, तब तो मैंने प्रॉपर दिखा नहीं पाई थी। डुल्लू आओ, आ जाओ, अरे आओ, अरे आई नहीं आया, ये देखो ये
और जी ब्यूरो थोड़ा सा नाराज क्योंकि वो नहीं वीडियो में आना चाहते हैं, बट मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज हमारे तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि।